हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सर्जिक। और इस वीडियो में हम उन टॉप थ्री मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एस्पिरेंट्स टेस्ट सीरीज की प्लानिंग में और टेस्ट सीरीज के इंटरप्रिटेशन में करते हैं। किस अप्रोच से उन्हें टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, उस अप्रोच में क्या वो तीन टॉप मिस्टेक्स करते हैं जिस वजह से उनकी रैंक उतनी नहीं आ पाती जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन थी। तो उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब जब भी कोई एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन लेवल को देखना चाहता है कि किस लेवल पे उसने वो पहुंचा है प्रिपरेशन में, तो वो क्या करता है, वो फुल लेंथ टेस्ट देगा एक और उसके मार्क्स देखेगा, उसमें उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, जिससे कि वो आइडिया लगाता है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ यू नो फुल 100 मार्क्स एज वेल एज कॉम्पिटिशन में रिलेटिव टू अदर एस्पिरेंट्स, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। करेक्ट। और इस वजह से वो फुल लेंथ टेस्ट के मार्क्स को बहुत सीरियसली लेने लगता है और उसको ये लगता है कि जितने मार्क्स उसके फुल लेंथ टेस्ट में आ रहे हैं उतने ही गेट में आएंगे, या फिर अगर उसके फुल लेंथ टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो उसके गेट में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ये एक कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स के करते हैं और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ऑब्वियसली उनके पास इकलौता ऐसा टूल टेस्ट सीरीज स्पेशली फुल लेंथ टेस्ट ही है, तो ऑब्वियसली वो उस चीज से अपनी प्रिपरेशन लेवल को गॉज करेंगे, चेक करेंगे और दूसरों से कंपेयर करेंगे। लेकिन वो मिस्टेक क्या करते हैं कि वो टेस्ट सीरीज में ज्यादा मार्क्स टारगेट करने के चक्कर में उन क्वेश्चंस को भी चेज करने लगते हैं जिन क्वेश्चंस को उन्हें चेज नहीं करना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए किसी फुल लेंथ टेस्ट में स्टूडेंट्स के 65 या 70 के बीच में मार्क्स आए, तो अपनी मिस्टेक्स देखेगा या वो ये देखेगा कि 30 मार्क्स 35 मार्क्स कहां रह गए, और उसमें अगर उसको ऐसे 5, 7 या 10 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके बारे में जिसमें वो कॉन्सेप्ट है जो उसे पता नहीं थे, मेनली बिकॉज वो कॉन्सेप्ट गेट में या तो आते नहीं है या तो बहुत कम आते हैं, तो वो क्या करेगा, उसको लगेगा कि मैं पीछे छूट रहा हूँ, शायद दूसरे बच्चों ने इसको सही किया होगा, ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, और वो उनको चेस करने लग जाएगा। क्योंकि ये ह्यूमन माइंड हमारा ऐसा ही कुछ है कि जो अननोन है, फियर ऑफ द अननोन, इट्स अ वेरी फेमस फ्रेज, जो चीज हमें नहीं पता है उसे हम घबराते हैं। तो पूरे जो उसने मार्क्स लूज किए हैं उसको उसमें सबसे ज्यादा टेंशन उन्हीं मार्क्स पे होगी जो उसने उन टॉपिक से लूज किए हैं जो टॉपिक्स पे नहीं आते थे, क्योंकि वो सोचेगा कि बाकी सब पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, मैं पिछड़ रहा हूँ, है ना। कॉमन टेंडेंसी है ह्यूमन माइंड की, इसमें किसी की कोई इंडिविजुअल गलती नहीं है। तो वो क्या करेगा, उन मार्क्स के पीछे पड़ जाता है उन टॉपिक्स के जो गेट के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है या टोटली इररिलेवेंट है। इस वजह से इन क्रूशियल मंथ्स में जब गेट के लिए 50 दिन या 60 दिन 2 महीने रफली बचे हैं, तो इन क्रूशियल डेज में वो क्या करता है, उन टॉपिक्स के पीछे और उन क्वेश्चंस के पीछे भागने लगता है जिससे उन्हें सबसे दूर रहना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि ऐसा टाइम है जब आपको टोटली गेट रेलेवेंट स्टडी करनी चाहिए। बट इसी टाइम पे टेस्ट सीरीज देखते हैं, इसी टाइम पे फुल लेंथ टेस्ट देते हैं, और अगर फुल लेंथ टेस्ट में से क्वेश्चन मिलते हैं तो आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं, स्पेशली फुल लेंथ टेस्ट शुड बी टोटली गेट रेलेवेंट। उसमें 1-2 क्वेश्चन चलता है, बट ऐसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जो कि गेट से रेलेवेंट ना हो। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि क्या गेट से रेलेवेंट है कौन सा नहीं, आपको कैसे पता चलेगा, उसका एक सिंपल सा मैं फंडा बता देता हूं कि अगर वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछा जा चुका है तो उस टॉपिक को रेलेवेंट कहा जाएगा। अब आप में से कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि ऐसा तो जरूरी नहीं है कि गेट में जो आया है आगे भी वही आएगा, हर साल ऐसे 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े नए होते हैं पिछले बार से। तो उसका सिंपल सा जवाब ये है कि मान लिया कि नए क्वेश्चंस गेट में आते हैं, 1 या 2 ऐसे नए क्वेश्चंस आते हैं, बट वो डिसाइडिंग क्वेश्चंस नहीं होते, उन क्वेश्चन से आपकी रैंक डिसाइड नहीं होती, ये आप जान लीजिए। बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जो उन क्वेश्चंस को टच नहीं करते हैं और वो टॉप करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस का टोटल मार्क्स का वेटेज कभी भी 2-3 नंबर से ज्यादा नहीं होगा, राइट। तो आउट ऑफ 100 2-3 मार्क्स ऐसे होंगे जो कि नए होंगे, जिसको कि अभी आप इररिलेवेंट समझ रहे हो, बाकी 97 मार्क्स आर टोटली फॉलिंग इन द रेलेवेंट कैटेगरी। इसीलिए जो भी अभी तक टॉपिक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गेट में पूछे जा चुके हैं उन्हीं को आप रेलेवेंट समझिए, स्पेशली गेट से 50 दिन पहले, ठीक है। तो ऐसे कोई भी टॉपिक अगर आप टेस्ट सीरीज में देखते हैं जो कि आपको लगता है कि गेट में नहीं पूछे गए हैं अभी तक किसी भी फॉर्म में, उनसे आप दूर रहिए। इवन जब आप टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कर रहे हो तो उन मार्क्स को आप काउंट कीजिए कि आपको मिल गए। अगर 30 मार्क्स आपने लूज किए और 15 मार्क्स मान लीजिए आपने ऐसी कोई टेस्ट सीरीज ली जिसमें 15 मार्क्स के इररिलेवेंट क्वेश्चन है, तो अपने मार्क्स में आप 15 मार्क्स जोड़ लीजिए इन अवे, ठीक है, या उन 15 मार्क्स को इग्नोर कीजिए, सीधे 15 मार्क्स
उसके अलावा जो आपने लूज किए हैं उन पे फोकस कीजिए। इसीलिए पहली मिस्टेक यही है जो एस्पिरेंट्स करते हैं कि टेस्ट सीरीज के मार्क्स को गेट के मार्क्स समझने लगते हैं और फिर टेस्ट सीरीज में मार्क्स बढ़ाने के चक्कर में वो उन टॉपिक्स को पढ़ना या उन टॉपिक्स पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं जो कि इररिलेवेंट है, जिनसे सबसे ज्यादा दूर रहना चाहिए इस टाइम में। ठीक है, मैं क्या करता था, क्योंकि आई पर्सनली आई सिक्योर 37 रैंक इन गेट, तो मैं क्या करता था कि मैं जो भी, क्योंकि काफी क्वेश्चंस होते थे जो कि रेलेवेंट थे जब मैं टेस्ट सीरीज देता था, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा अपना टाइम नहीं लगाता था। अगर मुझे लगता था कि ये सिंगल लाइनर कॉन्सेप्ट है कोई, तो मैं उसको एज इट इज थोड़ा बहुत समझ के लिख लेता था अपने नोट्स में ताकि वो मेरे माइंड में रहे। उनके आने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नील है और वो आए भी नहीं कभी भी, बट फिर भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अगर वो सिंगल लाइनर कोई कॉन्सेप्ट था तो मैं उसको डायरेक्टली लिख लिया नोट्स में और आगे बढ़े बिना उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट किए। तो आप भी चाहें तो इस चीज को कर सकते हैं, बट ज्यादा टाइम उस पर वेस्ट मत कीजिए। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा गलत है जो स्टूडेंट्स करते हैं, इट्स अ मेजर मिस्टेक, कि वो टेस्ट के मार्क्स को सीरियसली लेने लगते हैं। ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट से ही डराइव हुआ है कि आपको टेस्ट के मार्क्स को सीरियसली नहीं लेना है। टेस्ट देने का पर्पज आपका एकदम क्लियर होना चाहिए कि टेस्ट मैं क्यों दे रहा हूं, क्यों दे रहे हैं आप टेस्ट सीरीज। ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं टेस्ट ये देने के लिए देख रहा हूं कि मैं कहां स्टैंड करता हूं वगैरह वगैरह। थोड़ा बहुत आइडिया होना अच्छा है, आपको ये आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, बट ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आपकी रैंक अभी कम आ रही है तो आपकी गेट में भी कम रैंक आएगी, आपके मार्क्स अभी कम आ रहे हैं तो गेट में भी कम आएंगे। इट इज टोटली फॉल्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं बहुत से ऐसे टॉपर्स को जानता हूं, बेफिक्र रहिए। आपको टेस्ट सीरीज का पर्पज माइंड में क्लियर होना चाहिए कि टेस्ट सीरीज जो है वो लर्निंग के लिए है। मैं सीख रहा हूं हर क्वेश्चन से, हर टेस्ट से। मेरा फोकस हमेशा उन मार्क्स पे है जो मैंने लूज किए, और कहां लूज किए, क्यों लूज किए, और वो कैसे इंप्रूव हो, रेलेवेंट, ऑब्वियसली रेलेवेंट मार्क्स, वहां आपका फोकस होना चाहिए और तभी आप अच्छी रैंक ला पाएंगे। कोई भी स्टूडेंट कितना ही ब्राइट हो बट अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पा रहा है मेनली बिकॉज कि वो टेस्ट सीरीज के मार्क्स को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहा है, तो गेट में भी उसका कॉन्फिडेंस कम रहेगा और कम कॉन्फिडेंस से सिली मिस्टेक्स होती हैं और ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। इसीलिए आप टेस्ट सीरीज का मोटिव क्लियर रखिए, मैं लर्निंग के लिए टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। और लर्निंग कब होगी, जब आपको पता चलेगा आप कहाँ मार्क्स लूज कर रहे हो। कोई क्वेश्चन आपने इजिली सॉल्व कर दिया तो आप क्या सीखोगे उससे, कुछ भी नहीं सीखोगे। सीखोगे किन से, जहां पे आप मिस्टेक्स कर रहे हो। इसीलिए आप कम मार्क्स आ रहे हैं या 60, 65, 70 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं तो उससे घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज है इन अ वे, क्योंकि बाकी के जो 30, 35, 40 मार्क्स आपके नहीं आ रहे हैं वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उन मिस्टेक्स को जानने की जो आप कर रहे हो अभी, और उन्हें इंप्रूव करने की। ऐसा बिल्कुल नहीं, और मैं कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपके कॉन्सेप्ट ही वीक है तब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे सही सोर्स से, उसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, प्लानिंग में मिस्टेक कर रहे हो, सिली मिस्टेक कर रहे हो, तो वह ऐसी मिस्टेक है जो भले ही आप टेस्ट सीरीज में ना करो बट वो फिर भी गेट में हो सकती है। इसीलिए अच्छा है कि वो अभी हो जाए ताकि आपको पता रहे कि आप कहाँ मिस्टेक्स करते हो, ताकि आप गेट में केयरफुल रहो। इसीलिए अगर आप कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको सही सोर्स से कवर करना चाहिए टॉपिक को, बट आई एम अज्यूमिंग कि आपने सही सोर्स से कवर किया है, आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक है। तो जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो वो कैलकुलेशन मिस्टेक होंगी, इसीलिए मिस्टेक होंगी, इसी तरीके की मिस्टेक्स होंगी। और ये सब मिस्टेक ऐसी हैं नो मैटर आप अभी सही कर दो उस क्वेश्चन को, बट गेट में फिर वो आप गलती कर सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस टाइप्स की जितनी मिस्टेक्स अभी हो रही हैं होने दो, अच्छा है, उनके लिस्ट बना के रखो, उनके एक नोट्स रखो लर्निंग का। जैसे मैं हमेशा कहता आया हूं, क्वेश्चंस की लर्निंग का एक अलग से नोट्स रखो, क्या मिस्टेक्स सिली मिस्टेक्स कर रहे हो उसका नोट्स रखो, उसको रिवाइज करते रहो वीकली बेसिस पे, या टाइम कम है तो बाई वीकली भी, वीक में दो बार भी आप उसको कर सकते हो, तो वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो उसको जो टेस्ट सीरीज है उसको लर्निंग का आप सोर्स बनाओ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है प्लस मैं हंड्रेड्स ऑफ टॉपर्स से इंटरेक्ट कर चुका हूं, सब कहीं ना कहीं दिसंबर में या जनवरी में कम मार्क्स लाते हैं टेस्ट सीरीज में, बट वो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे डीमोटिवेट हो जाते हैं या वो अपने आप को कम समझने लगते हैं, रादर वो उसको लर्निंग की तरह देखते हैं। जो रेलेवेंट मिस्टेक्स उन्होंने की हैं रेलेवेंट क्वेश्चंस में, उससे सीखते हैं, उन्हें इंप्रूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही आपको करना है, ये मत सोचना कि 60, 65, 70 मार्क्स आ रहे हैं तो मेरा गेट नहीं हो पाएगा, एकदम भी ठीक नहीं है। डायरेक्ट आपके 15-20 मार्क्स तो बढ़ने ही बढ़ने हैं गेट में टेस्ट सीरीज के कंपेरिजन में, तो वो चीज़ आप सोचना मत माइंड में बिल्कुल। ठीक है,
ये दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था कि चेज मत करो इररिलेवेंट क्वेश्चंस को। दूसरा पॉइंट था कि टेस्ट सीरीज के मार्क्स को बहुत सीरियसली मत लो, टेस्ट सीरीज इज फॉर लर्निंग, ये क्लियर रखो अपने माइंड में। और तीसरा और आखिरी पॉइंट ये है कि एक्सपेरिमेंट करने से फियर मत करो, स्पेशली फुल लेंथ टेस्ट में, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट जो है उसको अप्रोच करने के बहुत से तरीके हैं। आप 1 मार्क का पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, 2 मार्क्स का पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, एप्टीट्यूड पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, मैथ्स पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, ये तो कन्वेंशनल स्ट्रेटेजी हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी हैं कि शुरू के 10 मिनट मैं स्किम करूंगा क्वेश्चंस को, बहुत सी स्ट्रेटेजीज हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ एस्पिरेंट से। तो आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अच्छी है ये आप खुद सोचो, एक्सपेरिमेंट करो, घबराओ मत। ये मत सोचो कि मैं अभी अगले फुल लेंथ टेस्ट में कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मेरे उसमें मार्क्स नहीं आएंगे, तो नहीं आने दो, गेट थोड़ी है वो, उसमें गलती होगी, आपके मार्क्स कम आएंगे, आपको पता चलेगा कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने ये वाला सेक्शन पहले अटेम्प्ट किया तो उससे क्या रिजल्ट आया मेरे साइकोलॉजी में और मार्क्स में, तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकते हो। तो एक्सपेरिमेंट करने में घबराओ मत, बहुत FLTs हैं, एक्सर्जिक में 20 FLTs हैं, बहुत FLT हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो इस चीज से आप बिल्कुल भी घबराओ मत। जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती हैं कन्वेंशनल के अलावा भी फुल लेंथ टेस्ट को अप्रोच करने की। मैं अगर एक्सर्जिक की बात करूं तो पर्सनल एनालिसिस जो जाता है उन स्टूडेंट्स को जो फुल लेंथ टेस्ट, अच्छे काफी सारे फुल लेंथ टेस्ट देते हैं, तो उसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज मैं उन्हें बताता हूँ, शेयर करता हूँ कि आपके लिए ये वाली स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस अच्छी रहेगी, इसको आप यूज कीजिए। और लास्ट ईयर बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको इसका बहुत फायदा भी मिला है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सर्जिक के टेस्ट सीरीज के बारे में बात करूंगा, ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं एक्सर्जिक के बारे में बीच में बात करने लग गया हूँ, क्योंकि जिस तरह मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बीइंग अ मेंटर मैं आपको सही गाइडेंस दूँ गेट के लिए, उसी तरह मेरी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको आपके अवेलेबल ऑप्शंस के बारे में बताऊँ कि क्या क्या ऑप्शंस, अच्छे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, वो भी एक तरह से आपको गाइड करना ही है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सर्जिक के टेस्ट सीरीज का एक ब्रीफ फीचर के बारे में बताता हूँ, क्योंकि क्लोज टू आई थिंक 5,000 स्टूडेंट्स हैं जो कि एक्सर्जिक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी इस साल ले चुके हैं। तो इसीलिए मैं आपको आपके अवेलेबल ऑप्शंस और उसके फीचर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो इसमें क्या है कि पर्सनल एनालिसिस करके एक एनालिसिस है जो एक्सर्जिक अकेला इंस्टीट्यूट है जो ऐसा एनालिसिस देता है टेस्ट सीरीज यूजर्स को। तो उसमें क्या होता है कि जो भी एस्पेरेंट्स हैं, जो भी जिन्होंने एक्सर्जी की टेस्ट सीरीज ली है, जो कंटिन्यूसली टेस्ट दे रहे हैं फुल लेंथ टेस्ट, उनको वो एनालिसिस जाता है जिसमें उनके मिस्टेक्स को मैं मैन्युअली एनालाइज करके कि किस तरीके की मिस्टेक्स कर रहे हैं, किन क्वेश्चंस में कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट उनका देखता हूँ हर क्वेश्चन का, उस हिसाब से उनका एक एनालिसिस प्रिपेयर होता है जो कि उनको पर्सनली जाता है। ये सबका अलग अलग है, हर इंडिविजुअल स्टूडेंट का अलग एनालिसिस होता है, मैनुअल एनालिसिस, मैनुअल एंड पर्सनल एनालिसिस है इसका नाम, तो वो उनको इंडिविजुअली जाता है। उसमें ये स्ट्रेटजीज मैं शेयर करता हूँ, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें उसमें शेयर की जाती हैं, इसीलिए मैं आपको इस पॉइंट पे एक्सर्जिक के टेस्ट सीरीज को उस फीचर के बारे में बता रहा हूँ। वीडियो में 3 पॉइंट जो मैंने आपसे शेयर किए वो मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद 1 मिनट का एक वीडियो एक्सर्जिक के टेस्ट सीरीज स्टूडेंट का एक रिव्यू रहेगा, और उसके बाद इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि इररिलेवेंट क्वेश्चंस को चेज नहीं करना है, आप लिख लीजिए इसको अलग से और जो मैंने कहा उसको सोचिएगा। दूसरा पॉइंट मैंने आपको कहा कि टेस्ट सीरीज के मार्क्स को बहुत सीरियसली नहीं लेना है, टेस्ट सीरीज को लर्निंग के लिए यूज करना है। और तीसरी चीज जो मैंने आपको कही वो ये कही कि एक्सपेरिमेंट करने से घबराना नहीं है फुल लेंथ टेस्ट में, अभी आपके पास इनफ टाइम है, अगर आप टेस्ट सीरीज ही दे रहे हैं फुल लेंथ टेस्ट तो आपके पास इनफ टाइम है, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए अलग अलग तरीके से, क्या स्ट्रेटजी यूज करनी है क्या नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको दिया है। अगर आप ऑलरेडी टेस्ट सीरीज एक्सर्जिक के ले चुके हैं तो ऑब्वियसली आपसे वो सारी सारी डिटेल्स मैं शेयर करता रहूंगा। तो ये 3 पॉइंट है जो मैंने आपसे शेयर किए, 1 मिनट का एक वीडियो है, क्लोज टू 1 मिनट का, जो आप देखेंगे और उसके बाद वीडियो को कंक्लूड किया जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर गेट 2020। माई नेम इज अंकुर अग्रवाल एंड आई सिक्योर्ड गेट रैंक AR65 इन गेट मैकेनिकल। एंड मैंने एक्सर्जिक की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी और पूरे पूरे फुल लेंथ एंड सब्जेक्ट टेस्ट सारे ज्वाइन करे थे। और एक्सर्जिक टेस्ट सीरीज़ की सबसे खास बात यह है कि आपको क्वेश्चंस कभी रिपीटेटिव नहीं मिलेंगे, बाकी कोचिंग्स में आपको सेम पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे पर एक्सर्जिक टेस्ट सीरीज़ में आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको चैलेंजिंग क्वेश्चंस मिलेंगे। और गेट इज़ ऑल अबाउट चैलेंजिंग क्वेश्चंस, क्रिएटिव क्वेश्चंस, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होनी चाहिए तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे।
और पर्सनल एनालिसिस, पर्सनल फीडबैक मिलता है एक्सर्जी की तरफ से, जिसमें वो आपके प्लस और माइनस बताते हैं, आपके टाइम मैनेजमेंट बताएंगे, आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी बताएंगे कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें बहुत यूनिक हैं, और अब कंपटीशन इतना बढ़ चुका है मैकेनिकल गेट में कि कुछ नया करने की ज़रूरत है, तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो अगर वही पुराने पैटर्न फॉलो करते रहेंगे तो कोई कहीं नहीं जा पाएगा। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप एक्सर्जी के वीडियो कोर्सेस और टेस्ट सीरीज ये सब ज्वाइन करें, क्योंकि ये सब रियली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, और आपको सही में आप खुद देखेंगे जब आप ज्वाइन करेंगे कि कितना डिफरेंस क्रिएट होता है सब चीज़ों से। तो बस यही बोलना चाहूँगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।